हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी अतुल मित्तल। लास्ट चैप्टर हमने आरबीआई पढ़ा था, आज हम बैंकिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिया में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक है वो एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 में एस्टैब्लिश की थी। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है कि इंडिया की पहली बैंक कौन है, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक फर्स्ट बैंक इन इंडिया एस्टैब्लिश बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। जब हम बैंकों की बात करते हैं तो सभी को पता है कि बैंक का काम क्या होता है। बैंक में आप पैसा जमा करते हो, बैंक से आप पैसा विड्रॉ करते हो, बैंक से आप लोन लेते हो। तो बैंक के जो फंक्शन होते हैं उसमें आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन है बैंक का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन। बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और उसको आगे फर्दर लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही बैंक के इनकम के सोर्स होते हैं। सेकेंडरी फंक्शन बैंक के क्या है? बैंक के और भी बहुत सारे, जैसे बैंक लॉकर की फैसिलिटी देता है, बैंक LC ओपन करता है, बैंक गारंटी इश्यू करता है, बैंक रेमिटेंस ऑफ मनी करता है। आप इंडिया से US मनी रेमिट कर सकते हो, US से इंडिया मनी रेमिट कर सकते हो अपने रिलेटिव्स को। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी है, बैंक सिक्योरिटी परचेज और सेल करता है, बैंक चेक और बिल्स इश्यू करता है। इसी तरह आपको कोई भी फ़ी जमा करनी है, बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हो। तो बहुत सारे बैंक के सेकेंडरी काम होते हैं। आजकल बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं। तो बैंक का मेन फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन। इसके बाद बात करते हैं डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जो आपके डिपॉजिट है, आप जब भी डिमांड करोगे बैंक आपको तुरंत पैसा दे देगा। तो डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट में आप जितनी बार पैसा जमा कर सकते हो, जितनी बार पैसा निकाल सकते हो, बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। सेविंग अकाउंट में आप कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन विड्रॉ करने के लिए लिमिट है कि महीने में आप इतने ही विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। टर्म डिपॉजिट का मतलब है जब आपकी टर्म ख़त्म हो जाएगी तब बैंक आपको पैसा देगा, जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है कि आपने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिटिंग अकाउंट ओपन किया, आपने कहा भाई हर महीने 1000 रुपये मैं जमा करूँगा 5 सालों तक, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट नेचर का अकाउंट हुआ। फिक्स्ड डिपॉजिट में हुआ कि आपने 1 लाख की FDR फिक्स्ड डिपॉजिट कराया, 1 लाख का 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। ये बात अलग है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपनी FD को तोड़वा सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल डिपॉजिट। देखिए, बैंक में आपका पैसा जमा है, अगर बैंक डूब जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? तो RBI ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाया है, जो कि आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको नहीं देना, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता है। अगर बैंक डूब जाता है तो DICGC 1 लाख रुपये पर डिपॉजिटर पर बैंक आपको इंश्योरेंस का पैसा देता है। लिक्विडिटी ऑर्डर। लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं कि जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके लिक्विडिटी, तो जैसे सबसे पहले है करेंसी। करेंसी है, इमीडिएट लिक्विडेबल है। आप एकदम से किसी को भी पैसा देके कोई भी कार खरीदनी है, सामान खरीदना है, कुछ भी आप खरीद सकते हो। डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट यहाँ पर करेंट डिपॉजिट से है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट है, इसमें भी कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की रेस्ट्रिक्शंस होती है महीने में। टर्म डिपॉजिट टर्म के बाद। तो ये लिक्विडिटी ऑर्डर है कि कितनी जल्दी आपका पैसा कैश में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एंड एडवांस। देखिए, लोन्स एंड एडवांस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो RBI डिसाइड नहीं करता है। हर बैंक, जो भी बैंक है, उसकी सेपरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन होती है। वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव कराते हैं। और आपने देखा होगा कि आप लोन लेने जाते हो तो बहुत सारे बैंकों का कंपेयर करते हो, ये बैंक किस रेट पर लोन दे रहा है, ये किस रेट पर। तो बैंकों की अपनी इंटरेस्ट रेट होती है लोन्स पर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? जब भी बैंक आपको लोन देता है तो वो बैंक की क्या है? असेट है। अब बैंक लोन देता है तो बैंकों को क्या मिलता है? ईएमआई मिलती है। ईएमआई में प्रिंसिपल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, या इंटरेस्ट मिलती है, प्रिंसिपल बाद में रिपेबल होता है। तो जब बैंक को इंटरेस्ट मिलता जा रहा है टाइमली और प्रिंसिपल टाइमली बैंक को रिपे होता जा रहा है तो उस एसेट को बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो एसेट परफॉर्म कर रही है। लेकिन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिपेमेंट बंद हो गया, आज इंटरेस्ट का पेमेंट आना था या प्रिंसिपल का पेमेंट आना था, नहीं आया, 90 दिन तक बैंक वेट करेगा, 90 दिन के बाद उस एसेट को बैंक एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करने से क्या होगा? बैंक को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ेगा कि बैंक का ये पैसा डूब सकता है, तो बैंक को इस पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जब बैंक इस पर प्रोविजन बनाएगा तो बैंक के क्या होंगे? प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो बैंक फर्दर लोन भी कम दे पाएगा। तो इस समय गवर्नमेंट का टारगेट है कि एनपीओ को जल्दी से जल्दी कम किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए हैं, जिसमें कोई भी बैंक है वो किसी भी कंपनी को इंसॉल्वेंसी कोर्ट में ले आ सकता है। इंसॉल्वेंसी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT है, जिसके पास इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? अब बैंक के पास लोन लेने जाओगे, बैंक आपको लोन देगा, भगा देगा, क्योंकि आप किसी से भी उधार मांगने जाओगे तो उधार उन्हीं को मिलता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी होती है। आप गरीब हो, बैंक कहेगा अरे यार पैसा डूब जाएगा, पैसे वाले हो तो बैंक आपको तुरंत लोन दे देगा क्योंकि उसको पता है कि यार मेरा ये पैसा वापस कर देगा। तो RBI ने क्या किया? RBI ने बैंकों को कहा कि आप जितना भी लोन देते हैं 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, जो कंपनियां एक्सपोर्ट बिजनेस में लगी हुई हैं जिससे गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उनको आप एक्सपोर्ट क्रेडिट दीजिए। एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और वीकर सेक्शन, ये प्रायोरिटी सेक्टर हैं। इनको आपको अपने लोन का 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। इस 40% में भी 18% का टारगेट एग्रीकल्चर का है। अगर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड नहीं दे पाते हैं, किसी बैंक ने 40% से ज़्यादा लैंडिंग कर दी, किसी ने कम कर दी, तो एक और प्रोविज़न है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। जिसने ज़्यादा लैंड किया है वो अपना सर्टिफिकेट दूसरे बैंक को, जिसने कम लैंड किया है, टारगेट अचीव नहीं किया, उसको सेल कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट टू फार्मर। देखिए हर साल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट के टारगेट सेट करती है कि बैंकों को हर साल इतना एग्रीकल्चर क्रेडिट देना है। तो हर साल जो भी टारगेट गवर्नमेंट ने दिए हैं वो हर बार अचीव हुए हैं। 2014-15 में 8 लाख करोड़ का टारगेट था, वो अचीव हो गया, 8,45,000 करोड़ का लोन दिया है। 15-16 में 8.5 लाख करोड़ का था, वो भी अचीव हुआ है। 16-17 में भी 9 लाख का था, वो भी अचीव हुआ है। 17-18 में 10 लाख करोड़ का टारगेट था, अभी फाइनल फिगर आई नहीं है, बट ये भी अचीव होने के चांस है। 18-19 में गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ का टारगेट रखा है एग्रीकल्चर क्रेडिट का। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस साल का एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितना है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है? कैश क्रेडिट फैसिलिटी एक तरह से वर्किंग कैपिटल लोन होता है। ये एक तरह से वर्किंग कैपिटल लोन होता है। आप बिजनेस करते हो, आप डे टू डे, आपको मटेरियल खरीदना है, आपको लेबर का पेमेंट करना है, तो आपको डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए कैश चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो, बैंक में कैश क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक से कैश क्रेडिट फैसिलिटी लेते हो। तो बैंक आपकी लिमिट बांध देता है कैश क्रेडिट की, कि सपोज आपकी 10 करोड़ की लिमिट बांध दी तो आप 10 करोड़ रुपये विड्रॉ कर सकते हो जैसे जैसे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना आप लोन लोगे उसके हिसाब से बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक देता है तो बैंक कुछ कंडीशन लगा देता है कि आपका कस्टमर से जो भी पैसा आएगा वो इसी अकाउंट में जाना चाहिए।
जिससे कि एक तरह से सिक्योरिटी बनी रहे। कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो बैंक देता है वो हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक देता है कि भाई गारंटी के लिए आपके स्टॉक को हाइपोथिकेट करता है। स्टॉक आपके गोडाउन में ही है पर हाइपोथिकेशन हो जाता है उसका, वो उसका ओनर जो है उसकी जो स्टॉक की आप गारंटी बैंक के पास रख देते हो। आपने देखा होगा कि स्टॉक ऑडिट, आपने सुना हो कि बैंक के बंदे जाते हैं स्टॉक ऑडिट करके जाते हैं, देखते हैं भाई जो आप स्टॉक बुक्स में दिखा रहे हो वो एक्चुअली अवेलेबल है कि नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देता है टू मैनेज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो ऑपरेशन। सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख 10 हज़ार का चेक काट दिया, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई 1 लाख 10 हज़ार रुपये की मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाए। तो बैंक कस्टमर की क्रेडिट वर्थिनेस देख के कि भाई इसकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके बेस पर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जनधन अकाउंट में मोदी गवर्नमेंट ने 5 हज़ार रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। पीयर टू पीयर लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है कि जो पीयर टू पीयर लैंडिंग कंपनी होती है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है एज ए एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये अपना एक वेबसाइट ओपन करती हैं, जो बोरोअर होते हैं जिनको लोन चाहिए वो इनकी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड कराते हैं, और जो लेंडर होते हैं जिनको लोन देना है, जिन पर ज़्यादा मनी, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसे लोन के रूप में दे सकते हो। तो इनकी जो वेबसाइट है उन पर लेंडर और बोरोअर दोनों रजिस्टर्ड होते हैं। ये एक तरह से फैसिलिटेट करता है, आपको इस इंटरेस्ट पर लोन देना है लेंडर है, और अगर बोरोअर आपको इस इंटरेस्ट पर मिल जाते हैं तो ये जो कंपनी होती है ये बोरोअर के सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है, लेंडर को प्रोवाइड करती है, फिर दोनों में एग्रीमेंट बनवाती है लोन का। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग, आप अगर डिटेल में चाहिए तो आप फेयरसेंट कंपनी है गूगल पर टाइप करोगे, cashkumar.com है, इन पे आप जाओगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा कि पहले आप बोरोअर, अगर आप बोरोअर है तो एज ए बोरोअर रजिस्टर्ड कराइए, लेंडर है एज ए लेंडर रजिस्टर्ड कराइए, आपको किस टाइप का लोन चाहिए, क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट आप पे आपको लोन चाहिए, वो सारी डिटेल आपको देनी होती है। उसके बाद कंपनी क्या है, बोरोअर और लेंडर को मिलाने का काम करती है। नो योर कस्टमर गाइडलाइन, नो योर कस्टमर गाइडलाइन क्या होती है कि जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको नो योर कस्टमर गाइडलाइन पूरी करनी होती है। नो योर कस्टमर गाइडलाइन में क्या होता है कि आपको 1 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस और रीसेंट फोटोग्राफ, ये आपको बैंक में सबमिट करना होता है जब भी आप अकाउंट ओपन कराते हो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, तो गवर्नमेंट ने 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, जिसमें है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और नरेगा जॉब कार्ड। ये 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। इन ये आपकी आइडेंटिटी के लिए यूज होते हैं, इन पे आपका फ़ोटो लगा रहता है, आपकी आइडेंटिटी के लिए यूज होते हैं। अगर इनमें एड्रेस भी मेंशन है तो आपको ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में भी यूज कर सकते हो, लेकिन 6 में से पैन कार्ड पे प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होता, इसलिए आप पैन कार्ड को प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, रीजनल रूरल बैंक ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।